प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद नवाज शरीफ इन दिनों इस्लामाबाद से लाहौर तक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच एक रैली के दौरान नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में खुद के खिलाफ आए फैसले पर सवाल खड़े किए और कहा कि वो चौथी बार पीएम बनकर आएंगे। रैली में जनता के बीच नवाज ने कहा, जजों ने मुझे दोषी करार दिया है, लेकिन वे मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी उदाहरण नहीं दे सके। क्या इसके बावजूद मुझे अयोग्य करार देना सही है? मैं कल फिर जनता का प्रधानमंत्री बनकर आऊंगा। नवाज ने इसके आगे कहा, उन्होंने मुझे सिर्फ कागज पर हटाया है, ये एक मजाक है, लेकिन वे मुझे आपके दिलों से नहीं हटा सके। आप मेरे साथ आकर ये साबित करें कि आपके वोटों का सम्मान है। मुझे ये मजाक बर्दाश्त नहीं, क्या आप कर सकते हैं? क्योंकि मुझे आपने चुना था। उन्होंने मुझे बदनाम और बेदखल कर दिया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे क्यों हटाया गया? क्या मैंने किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार किया है? मैं ईमानदार हूँ और मैंने फाइनेंशियली कोई गड़बड़ी नहीं की है। मुझे लाखों लोगों ने चुना था, लेकिन उन्होंने आपके वोटों को कुचल दिया। नवाज ने इसके बाद जनता से पूछा कि क्या इस अन्याय पर उन्हें चुपचाप बैठ जाना चाहिए, तो भीड़ ने चिल्लाकर नहीं कहा। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वहां की सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने पनामा पेपर स्कैंडल में दोषी पाया था, जिसके बाद नवाज को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। नवाज इन दिनों शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अब रैली में नवाज ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उसे देखते हुए साफ है कि नवाज अभी से अगले आम चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।